इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। एक बार फिर कोरोना का तस्करा होने लगा है। आज ही के दिन देश के महान वजीर आजम ने लॉकडाउन का ऐलान किया था। खैर, आज भी कारोबार, फैक्ट्रियां, नौकरियां संभलने का नाम नहीं ले रहे। एक साल बाद फिर कोरोना मरीजों में इजाफे की बात कही जा रही है। वहीं दूसरी ओर वैक्सीनेशन पर भी हुकूमत जोर दे रही। बरो जुमेरात 29 पॉजिटिव मामले बेलगाम जिले में पाए जाने की इत्तला हासिल हुई। अब वैसे भी ईद त्योहारों का दौर अभी शुरू होने वाला है, पर कर्नाटक हुकूमत ने एक ऐलान नामे के जरिए गुड़ी पाड़वा, होली, शब ए बरात, गुड फ्राइडे इज्तमाई तौर पर न मनाने का हुक्म दिया गया। एमएलए बेलगाम की जानिब से भी होली को उत्सव नहीं मनाया जाएगा, ऐसा सहाफियों को मुखातिब होकर इन्होंने कहा। लेकिन बार बार बात वहीं पर आकर रुक जाती है। क्या आखिर लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू या फिर ईद त्योहारों का ना मनाने का पैमाना क्या होना चाहिए? क्या इसलिए इज्तमाई इजलासों पर पाबंदियां लगा दी जा रही है क्योंकि और कोरोना बढ़ सकता है या बढ़ रहा है? बेलगाम जिला महाराष्ट्र से सटा हुआ इलाका है, गोवा भी करीब है। लोगों की नकल हरकत हर रोज जारी रहती है, लेकिन क्या बात है कि ईद त्योहारों पर ही पाबंदी लगाने से यकीनन कोरोना काबू में आ जाएगा? ऐसा सवाल भी आवाम की जानिब से बार बार किया जा रहा। महज इत्तफाक रायबाग कुर्ची जाना हुआ तो चिंचली में महाराष्ट्र से आने वाले लोगों की भीड़ आज भी उतनी है। चिंचली मायक्का के इहाते में तमाम महाराष्ट्र की गाड़ियां, जहां जितने भी वहां पर जायरीन आते हैं, इनके तमाम महाराष्ट्र से अक्सर होते हैं। 90% लोग यहां पर महाराष्ट्र से आते जाते रहते हैं। अगर इतनी सारी पाबंदियां कोरोना के मद्देनजर आयत की जा रही है तो रायबाग तहसीलदार या जिम्मेदारों से सवाल पूछना चाहिए कि अगर महाराष्ट्र में मरीज बढ़ रहे हैं तो इन्हें कर्नाटक में दाखिल होने क्यों दिया जा रहा है? कुछ तस्वीरें हमने वहां से ली है। कहने का मतलब, महज ऐलानात और दिगर इजलासों और मीटिंगों पर आवाम की तादाद कितनी होगी? इस पर 12 ऐलानात, हुक्मनामे दिए जाते हैं, पर अमल कितना हो रहा है इस पर भी तवज्जो काफ़ी हद तक नहीं दी जाती। वैक्सीनेशन की मुहिम भी काफ़ी धीमी है। आवाम में आज भी वैक्सीनेशन को लेकर हुकूमत एतमाद को पैदा करे, महज रिंगटोन या टीवी, सोशल मीडिया पर ऐलानात से काम नहीं बनेगा। हुकूमत की जानिब से मास्क, सैनिटाइजर का फिर इस्तेमाल करने के ऐलानात हो रहे हैं। हकीकत देखा जाए तो आवाम इससे तंग आ चुकी है। यकीनन आलमी मर्ज है, इसमें दो राय नहीं है, पर इससे बढ़कर दो वक्त की रोटी जुटाना भी तो है। असल मसला गरीबों के सामने आन खड़ा है। आवाम भी गूंगी बहरी बनती जा रही है। हुकूमतों से सवाल करने की जरूरत किसी में भी नहीं है और कोई नहीं कर पा रहा। होली, गुड फ्राइडे की तरह शबे बरात की अपनी अहमियत है। पिछला रमजान और दिगर ईद त्योहार लॉकडाउन की नजर हो चुके थे पिछले साल, लिहाजा एक बार फिर कोरोना के मद्देनजर शबे बरात के साथ होली, गुड फ्राइडे, गुड़ी पाड़वा पर भी पाबंदियां ऐड करने की कोशिश की जा रही है। आवाम में इस पर अलग अलग राय देखने को मिली। कुछ लोगों ने कहा कि ईद त्योहारों में कारोबार अच्छा होता है, पिछले लॉकडाउन के जख्म अभी भरे नहीं है, लिहाजा रात का कर्फ्यू या दिगर पाबंदियां बड़ा असर आवाम पर होगा। खासकर रमजान में करोड़ों रुपए की तिजारत जामा मस्जिद, खड़े बाजार, भिंडी बाजार इलाके में होती है। अगर इस बार फिर बढ़ते मरीजों के आड़ में रात के कर्फ्यू का ऐलान किया गया तो छोटे ताजिर जो सड़कों पर अपना कारोबार चलाते रहते हैं एक बार फिर नुकसान या घाटे में आ सकते। लोगों में आज भी एक डर खौफ है कि क्या पता कि प्रधानमंत्री कब आए और कब किस बात का ऐलान करें। इन मुश्किलात से, तकलीफों से इन ताजिरों को उभरना मुश्किल होगा। एक बार हुकूमत के इस ऐलान के बाद के आने वाले दिनों में जो भी ईद त्योहार है इसे इज्तमाई तौर पर ना मनाने पर क्या फिर से कोई नया फैसला हुकूमत की जानिब से लिया जा सकता है? क्या ऐसा सवाल अवाम की जानिब से पूछा जा रहा है? इतना जरूर है कि बेलगाम जिले में महाराष्ट्र से लोग सैकड़ों की तादाद में आते जाते रहते हैं, पर हुकूमत की नजरें इन पर तो नहीं रहती, पर दिगर शक्तियां मकामी लोगों पर आयद की जाती है। कोरोना का खतरा अगर बढ़ रहा है तो कानून सभी के लिए एक जैसा होना चाहिए। सियासी इजलासों में तो हजारों को इकट्ठा कर शक्ति प्रदर्शन किया जाता है, वह किसी सियासी लीडर पर मुकदमे तो दायर नहीं किए जाते। यह एक मामूली और सच्चाई का आईना दिखाने वाले सवाल है कि अगर मुल्क में, रियासत में कोरोना बढ़ रहा है तो सियासी इजलासों पर क्यों पाबंदियां नहीं लगाई जाती? मेले, जत्रे में लाखों लोग
इकट्ठा होते हैं, इकट्ठा किए जाते हैं। वजीर आजम मन की बात के जरिए कोरोना के खतरे पर तो बड़ा लंबा भाषण देते रहते हैं, पर चुनावी इजलासों में खुद शरीक होकर लाखों लोगों को खिताब फरमाते रहते हैं। कुल मिलाकर यही है कि जब आम आवाम को मास्क न होने पर जुर्माना लगाया जाता है क्योंकि कोरोना को बढ़ने से रोक सके, पर वजीर आजम या वजीर दाखला को लाखों की भीड़ क्यों जमा कर रहे हो? देश में कोरोना बढ़ रहा है इसका एहसास कोई नहीं दिलाता। इसके बरक्स भाजपा मोदी शाह की रैली में कितने लाख लोग आए हैं और कितने लोकप्रिय है, ये नेता ये दिखाने का मुकाबला मीडिया में लगा रहता है। जो भी इंतजामिया है किसी भी रियासत या शहर के हो, सभी के लिए एक ही कानून को नाफिज करे, वरना सियासी भीड़ को कोरोना नहीं छू सकता, पर मजहबी इजलासों में कोरोना आ सकता है। इस तरह अवाम के जहन में आना और उनका जहन बनना लाजिम हो जाता है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह।